वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम साक्षी। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ब्यूटीफुल सा इको फ्रेंडली गणपति डेकोरेशन। मैंने ऑलरेडी एक गणपति डेकोरेशन का वीडियो अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है, तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपको बता दूं, ये इको फ्रेंडली गणपति डेकोरेशन है, इसलिए जो मैं मटेरियल यूज करूंगी वो इको फ्रेंडली रहेगा। जैसे कि मेरे पास कुछ कार्डबोर्ड बॉक्सेस पड़े हुए हैं, मैं उन्हीं का इस्तेमाल करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वो बॉक्स है जो मैं गणपति डेकोरेशन के लिए यूज करूंगी। तो ये ऐसा बेस यूज करूंगी और इसके बीच में मैं एग्जैक्टली 12x12 inches कट कर लूंगी, ताकि मेरा जो चौरंग है वो इसके अंदर अच्छे तरीके से फिट हो सके। और उस चौरंग के ऊपर मैं गणपति जी की मूर्ति बिठाती हूँ, तो मैं इसको एग्जैक्टली 12x12 inches कट करूंगी। तो हमें यहाँ ये स्क्वायर कट कर लेना है। अगर आप चौरंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं और उसके बदले आप कुछ और यूज़ करना चाहते हैं, तो ये आप स्टेप स्किप कर सकते हैं और मूर्ति को डायरेक्टली इस बेस पे बिठा सकते हैं। तो हमने यहाँ ये स्क्वायर कट कर लिया है। इसके बाद यहाँ मैंने ये ऑरेंज कलर का पेपर लिया है, आप इसके बदले कोई और पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस पेपर को भी उस बॉक्स के तरह बीच में से 12x12 inches का स्क्वायर कट कर लूंगी। इस पेपर की साइज बॉक्स की साइज से थोड़ी छोटी है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा जॉइंट्स लगाऊंगी। और इस जॉइंट्स को सिक्योर करने के लिए मैं मास्किंग टेप का इस्तेमाल करूंगी, ताकि जब मैं ये पेपर को बॉक्स पे चिपकाऊंगी तब ये बिल्कुल हिलेगा नहीं। टेप लगाने से इसकी फिनिशिंग भी अच्छी आती है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ हमारी टेपिंग करके हो गई है और इसके बाद मैं ये जो एक्स्ट्रा पेपर है इन दोनों साइड से दोनों को कट कर लूंगी। इनको कट करने के बाद अब मैं इस बॉक्स के आगे के तरफ का जो हिस्सा है उसमें मैं पेपर लगा लूंगी, और बॉक्स के पीछे के तरफ का जो हिस्सा है उसमें पेपर नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वो पीछे की तरफ रहेगा और वैसे भी वो दिखने में नहीं आएगा। ये ऊपर की साइड का पेपर भी हम लगा लेंगे। और ये दोनों साइड्स को फोल्ड करते हुए इन्हें भी कवर कर लेंगे। तो ये हमारा बेस बिल्कुल तैयार है और अब हम बनाएंगे पीछे का हिस्सा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने एक पेपर पे डिजाइन बना ली है, ताकि कार्डबोर्ड पे ट्रेस करने में आसानी रहेगी। तो ये डिजाइन कट हो गई है, बहुत ही सिंपल डिजाइन मैंने चूज की है। आप चाहे तो मोर बना सकते हैं या और कोई डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बना सकते हैं। ये मैंने अलग सा कार्डबोर्ड लिया है और उसके ऊपर ये डिजाइन रख के मैं ट्रेस कर लूंगी। ट्रेस होने के बाद अब हम इसे निकाल लेंगे और उसके बाद जहाँ पे ट्रेसिंग नहीं हुई है वहां पे हम थोड़ी लाइंस डार्क कर देंगे, ताकि कट करने में आसानी रहेगी। तो ये डिजाइन अच्छे से कट हो गई है और अब हम इसके ऊपर ये ऑरेंज पेपर लगाएंगे। मैं यहाँ पे दो पेपर्स का इस्तेमाल करूंगी। डिजाइन को ट्रेस करने से पहले हम इसे टेप लगा के अच्छे से सिक्योर कर लेंगे, ताकि जब डिजाइन हम इसके ऊपर ट्रेस करेंगे तब ये दोनों पेपर बिल्कुल हिलेंगे नहीं और डिजाइन अच्छे से ट्रेस हो जाएगी। ट्रेस करने के बाद अब हम इसे कट कर लेंगे। डिजाइन को चिपकाने के लिए मैं यहाँ पे मॉड पॉज का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई और भी ग्लू यूज कर सकते हैं, आप ग्लू गन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से डेकोरेट कर लेंगे। ये कुछ बीट्स के स्टिकर्स हैं जो कोई भी क्राफ्ट स्टोर में या अमेजोन पे आसानी से मिल जाते हैं।
मैंने ये डॉलर स्टोर से खरीदे हैं। मैं आपको अमेजोन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप कोई भी बीट्स के स्टिकर्स लगा सकते हैं, जैसे पर्ल या स्टोन के, या तो कोई भी एक डेकोरेटिव लेस लगा सकते हैं। जो हमने दो पेपर्स को ज्वाइन किए थे उस पर भी हम ये स्टिकर्स लगाएंगे, ताकि वो जॉइंट्स भी अच्छे से छुप जाएंगे और दिखने में भी अच्छा लगेगा। पिछले साल के डेकोरेशन में भी मैंने ऐसे ही कुछ बीट्स के स्टिकर्स और लेसेस लगाई थी, बहुत ही सुंदर डेकोरेशन बना था। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके बॉर्डर पे भी हमें ये स्टिकर्स लगा लेने हैं। फिर मैंने यहाँ गोल्डन स्टोन के स्टिकर्स लिए हैं, इनको मैं क्रॉस पे लगाते हुए एक डायमंड शेप क्रिएट कर लूंगी। आप चाहे तो इसको खाली भी रख सकते हैं, पर यहाँ मेरे इस बैक सपोर्ट की साइज थोड़ी बड़ी है, इसलिए मैंने ये डिजाइन क्रिएट की है। अब हम बनाएंगे कुशन्स, तो इसके लिए मैंने यहाँ ये कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया है और इसको मैं बीच में से कट कर लूंगी। तो मैंने यहाँ इसको भी पेपर लगा लिया है और अब मैंने यहाँ दो ये पेपर टॉवल्स के रोल्स लिए हैं और यही सेम पेपर मैं इस पे भी रैप कर लूंगी। ये बहुत ही अच्छा कुशन का लुक देगा। फिर इसके बाद हमें ये दो सर्कल्स काट लेने हैं, ताकि रोल के फ्रंट साइड को हम कवर कर सके। और मैंने यहाँ उस पे डेकोरेट करने के लिए ये पेपर डॉयलीज का इस्तेमाल किया है, ये आपको अमेजोन पे भी मिल जाएंगे। इसको भी हम स्टिकर्स लगा के डेकोरेट कर लेंगे। यहाँ पे भी मैंने एक कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया है, इसको मैं स्टेप बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करूंगी। ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। कारपेट जैसा इफेक्ट आने के लिए मैंने यहाँ एग्जैक्ट बॉक्स के बीच में गोल्डन पेपर लगाया है। यहाँ मैंने राउंड प्लेसमैट का इस्तेमाल किया है और उसके ऊपर मैं ग्लू लगा के ग्लिटर लगाऊंगी। यहाँ मैंने मॉड पॉज का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो और कोई भी ग्लू लगा सकते हैं। यहाँ हम सिल्वर ग्लिटर का यूज करेंगे। सिल्वर और गोल्डन का कॉन्ट्रास्ट देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, इसके लिए इसके बॉर्डर पे हम गोल्डन ग्लिटर का यूज करेंगे। इसके बीच में भी हम ये पेपर लगा के इसके ऊपर पेपर डॉयलीज का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मैंने ये कार्डबोर्ड के रोल्स लिए हैं, ये रोल्स गिफ्ट रैपिंग पेपर्स के अंदर होते हैं, मैंने वही लिए हैं और मैंने ऑलरेडी उनको अलग अलग मेजरमेंट्स में कट कर लिया है और यहाँ मैं उसके ऊपर मार्किंग कर लूंगी, ताकि मुझे हाइट के हिसाब से लगाने में आसानी रहेगी। यहाँ पे मैंने ये रोल्स लगाने के लिए मार्किंग कर ली है। मार्किंग के हिसाब से हम रोल को पूरी तरह से नीचे तक रखेंगे, ताकि इसकी ग्रिप अच्छी रहेगी। यहाँ मैंने कार्डबोर्ड के स्ट्रिप्स लिए हैं और इनको मैं एज अ पिलर का जो बेस होता है उसका लुक दूंगी। इसको अच्छे से रोल करते हुए स्टिक कर लेना है। रोल्स को कवर करने के लिए मैं यहाँ गोल्ड रिबन का इस्तेमाल करूंगी, आप चाहे तो ग्लिटर पेपर भी यूज कर सकते हैं। और इस नीचे के बेस को भी हम रिबन से कवर कर लेंगे। यहाँ पे भी मैंने गोल्ड और सिल्वर का कॉन्ट्रास्ट रखा है, ताकि दिखने में अच्छा लगेगा।
यहाँ मेरे पास कुछ ग्लिटर के बीड्स हैं, मैं उनको यहाँ पे लगाऊंगी। यहाँ मैंने क्रिसमस के ऑर्नामेंट्स लिए हैं जो हम डीआईवाई के लिए यूज करते हैं, और इनको इस तरह से मैं ये रोज के ऊपर लगाऊंगी। पर इसके पहले मैंने यहाँ ये स्ट्रिंग लाइट ली है जो ये बैटरी ऑपरेटेड है, और इनको मैं नीचे की तरफ से रोल के अंदर से डालूंगी। और इस तरह से डालते हुए मैं ऊपर से इनको खींच लूंगी। हम पूरी लाइट्स को बाहर निकालेंगे, सिर्फ जो बैटरी की मशीन है उसी को नीचे की तरफ रखेंगे। और अब यहाँ पूरी लाइट को इस ऑर्नामेंट के अंदर डाल देना है। लाइट डालने के बाद आपको एंड में टेप लगानी है ताकि जो हमने लाइट डाली है उसके अंदर वो नीचे से निकलेगी नहीं। अब हम यहाँ सारे पीसेस को असेंबल कर लेंगे। यहाँ मैंने बीट्स के गार्लैंड्स लिए हैं और इनको यहाँ मैं इस तरह से लगाऊंगी। तो यहाँ हमारा गणपति डेकोरेशन बिल्कुल तैयार है। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस ऑन माय अपकमिंग वीडियोस। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद न्यू डीआईवाई आइडियाज। टिल देन बाय।